आज हम लोग लेसन थ्री टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का अध्ययन करेंगे। इसमें जैसा कि दो भाग इसमें है, पार्ट वन पार्ट टू, हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकंड फ्लाइट। तो फर्स्ट फ्लाइट इसके राइटर हैं लियाम ओ फ्लेहर्थी, जो कि एक पक्षी के बारे में बताया है कि उसकी पहली उड़ान किस प्रकार से होती है, वो किस प्रकार से स्ट्रगल करता है अपने जीवन के आरंभिक समय में, जब वो एक बच्चा होता है, छोटा जो चिड़िया होती है, तो कैसे वो उड़ान भरती है। जैसा कि इसके माता पिता हैं और इसके दो भाई और एक बहन है, तो आरंभ में क्या होते हैं कि माता पिता के साथ इसके दो भाई और बहन पहली उड़ान तो आसानी से कर पाते हैं, लेकिन यह डर जाता है, डरने के कारण यह उड़ नहीं पाता, जिसके कारण से कि यह जो कि बिना खाए पिए एक दिन तक रहता है। उसकी माता उसको प्रोत्साहित करती है उड़ने के लिए, लेकिन फिर भी वह डर के मारे उड़ नहीं पाता है, क्योंकि विशाल चट्टान के ऊपर वो बैठी हुई है, नीचे गहरी खाई है और फिर समुद्र का विशाल पानी है। तो उसको देख कर वो भयभीत हो जाता है, उसको डर लगता है कि उसके पंख जो कि अभी इतने मजबूत नहीं हैं जिससे कि वह उड़ान को भर सके, जिस कारण वह पूरे 24 घंटे अर्थात एक दिन तक भूखा रह जाता है और उसके पास कोई नहीं आता। तो रात भर वह जो कि एक होल में छिपा रहता है, फिर सुबह होती है, सुबह की पहली किरण जब आती है तो वह उसका जो है कि चेहरा सूर्य की तरफ होता है, धूप लगती है तो धूप काफ़ी उसको तेज लगती है, क्योंकि वह पिछले एक दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, जिसके कारण से कि अब वह देख रही है अपने पेरेंट्स को, माता पिता, उसके जो भाई बहन काफ़ी ऊंचाई उड़ान उड़ रहे हैं, और उसके पिताजी जो है कि एक मछली को पकड़े हुए हैं, समुद्र से निकाल कर मछली को पकड़े हैं, खा रहे हैं अपने चोंच को, जो अपने बीक को क्या कर रहे हैं, पत्थर चट्टान पर रगड़ रहे हैं, मतलब उसको और तेज कर रहे हैं, शार्प कर रहे हैं। तो अब यह इसकी ओर को ध्यान देता है, जबकि इसकी माता उस पर ध्यान देती है, देखती है, और लेकिन फिर भी उसके पास में नहीं आती। तो फिर क्या होता है कि उसकी माता तब तक एक मछली का टुकड़ा उसके ओर लेके आती है, तो यह सीगल काफ़ी खुश होता है, सोचता है कि अब तो हमको भोजन मिलेगा, मेरी माँ भोजन लेकर आ रही हैं। लेकिन अचानक से वह जो है कि उसकी जो माँ थी वह रुक जाती है और हवा में ही मछली को उड़ा देती है, छोड़ देती है, जिससे वह जो सीगल था, छोटा बच्चा था, वह भी उसको पकड़ने के लिए उड़ जाता है। यह भूल जाता है कि उसके पंख अभी मजबूत नहीं है, ऐसा जिससे कि उसको डर था कि वह गिर जाएगा, चोट लग जाएगा, तो भूल जाता है, मछली के लिए वह उछल पड़ता है, जो कि वह चट्टान से नीचे की ओर आने लगता है। तो अचानक से वह भयभीत हो जाता है, वह अपने आँखों को बंद कर लेता है, नीचे की ओर आता है, फिर कुछ ही समय बाद उसके पंख अचानक से अपने आप खुल जाते हैं और हवा को काटते हुए उड़ते हैं। तो वह इस प्रकार से अपनी पहली उड़ान भरता है, तो उड़ते उड़ते फिर वह हवा में उड़ने लगता है। इस प्रकार उसके पेरेंट्स उसके पास से गुजरते हैं, एक कुछ आवाज़ आती है, यहाँ पर कुछ आवाज़ गाय गाय की आवाज़ आती है करते, उसके आसपास लोग उछा जो है कि भागने लगते हैं, खुश हो जाते हैं, उसको जो है कि उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। इस प्रकार से उस पक्षी की पहली उड़ान होती है। फिर इसमें कहानी कुछ और भी है, इसको जिसको कि हम आगे पढ़ते समय देखेंगे। यहाँ हम पहला पैरा स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको कि हम लोग देखेंगे। द यंग सीगल वॉज एलोन ऑन हिज लीच, यह दिया है। तो यंग मैंने कि युवा, अर्थात एक बच्चा है, एक नवयुवक जो कि छोटा सीगल है, एक समुद्री पक्षी है। एलोन माने अकेला होता है, लीज माने होता है कोई खड़ी चट्टान जिससे होती है उसका निकला हुआ बाहरी सिरा बोलते हैं, पत्थर की जो है कि सिला जो बाहर निकली होती है उसको बोलते हैं लीज। तो कहते हैं कि छोटा पक्षी अपनी बाहर यानी कि अपनी बाहर निकली हुई चट्टान पर अकेला था,
हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर, यानी कि उसके दो भाई और बहन पहले ही दिन उड़ान भर चुके थे, ऑलरेडी उन्होंने पहले ही फ्लॉन अवे द डे बिफोर, यानी कि पहले दिन वो लोग जो है कि उड़ान भर चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विथ देम, यानी वह उनके साथ उड़ने के लिए भयभीत था, यानी कि वह उनके साथ उड़ने से डरता था। तो somehow यानी किसी प्रकार से when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. तो आगे क्या कहते हैं, करें somehow किसी प्रकार से when मतलब जब he had taken a little run forward to brink, ब्रिंग मैंने होता है किनारा, इसको बोलते हैं एज ऑफ द लीच, मैंने कि चट्टान के निकले हुए सिले या फिर पहाड़ी की चोटी की जो निकला हुआ भाग होता है के किनारे, जब वह आगे की ओर बढ़ने के लिए आगे बढ़ता है, एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और अपने पंखों को फ्लैप मैंने होता है फड़फड़ाना, मतलब पंखों को फड़फड़ाने के लिए प्रयास करता है, ही बिकेम अफ्रेड, तो वह भयभीत हो जाता है, अपने पंखों को फड़फड़ाने के लिए प्रयास करता है तो वह भयभीत हो जाता है। द ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बेनिथ, तो क्या करना है, बेनिथ में होता है नीचे, बेनिथ में होता है नीचे होता है, स्ट्रेच फैलाव, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, द ग्रेट एक्सपेंसेस मैंने विस्तार होता है, तो कह रहा है कि द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी यानी समुद्र का क्या था कि नीचे की ओर बहुत बड़ा फैलाव था, विशाल विस्तार था, एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन मील्स डाउन, आगे तथा क्या था, आगे कहते हैं कि तथा नीचे की ओर इतना लंबा रास्ता था, यानी कि मीलों नीचे, यानी कि मील्स डाउन यानी कि मीलों नीचे इतना लंबा रास्ता था। ही फेल्ट सर्टेन दैट, यानी निश्चित रूप से महसूस किया, सर्टेन मतलब होता है निश्चित, तो करा कि उसने निश्चित रूप से जो कि उसको ऐसा लगा, उसने ऐसा महसूस किया, क्या महसूस किया, क्या करा दैट हीज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसने यह महसूस किया कि यानी कि उसके पंख जो है हीज विंग्स मैंने होते हैं पंख, उसके पंख उसका साथ कभी नहीं देंगे, सपोर्ट में उसका सहारा कभी नहीं बन पाएंगे, तो क्या यानी कि उसके पंख उसकी सहायता नहीं करेंगे, तो फिर क्या हुआ, सो ही बेंट मतलब होता है झुकना, हिज हेट, तो यानी क्या किया, इसलिए वो अपने सिर को झुकाया, एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लीच वेयर ही स्लीप्ट एट नाइट, तो क्या किया हुआ, तो ही रैन अवे बैक टू द लिटिल होल, यानी कि अंडर मन नीचे, लीच मने होता है सिला, यानी जो बाहर निकला वह सिला था, बाहर निकले सिले के नीचे एक छोटे से छिद्र में वह वापस चला जाता है, जहाँ वह रात को सोता है, जहाँ कि वह रात को सोया। फिर आगे क्या कहते हैं, इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हूज विंग्स वेयर फॉर shorter than his own ran to the brink flapped their wings and flew away he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate इतना देखेंगे हम लोग यहाँ तक तो क्या क्या कहते हैं even when each of his brother and little sister तो क्या कहते हैं यहाँ पे इवेन मैंने होता है भी होता है यानी कि कह रहे हैं यहाँ पे कि जबकि उसके भाई और छोटे बहन जबकि ईच ऑफ हिज ब्रदर्स तो क्या कहते हैं यहाँ पे जबकि उसके भाई और छोटे बहन के पंख उसके पंख से छोटे थे कह रहे हैं यहाँ पे इवेन जबकि ईच ऑफ हिज ब्रदर्स यानी उसके प्रत्येक भाइयों और छोटी बहनों प्रत्येक के हुज विंग्स जिनके पंख वेयर फार शॉर्टर देन इज ओन
उसके स्वयं के पंखों से छोटे थे, रैन टू द ब्रिंक, माने यानी कि वो किनारे से दौड़े, फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाए एंड फ्लो और उड़ गए, ही फेल टू मस्टर्ड अप करेज टू टेक। यहाँ दिया है फिर उन्होंने होता असफल होना, मस्टर्ड अप मतलब था जुटाना, यानी वह टू टेक यानी कि उड़ान के लिए यानी उड़ने के लिए वह साहस को जुटाने में असफल हुआ, यानी सफल नहीं हुआ, यानी वह उड़ान भरने के लिए साहस जुटाने में असफल हो गया। दैट प्लंग विच अपीयर टू हिम सो डिस्परेट, प्लंग मने होता है छलांग लगाना, प्लंग दिया है, अपीयर मने होता है दिखाई पड़ना, डिस्परेट डिस्परेट मने होता है हताशा, तो हताशा के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर। क्या बोल रहे हैं कि इसे ऊपर बताया गया कि भाई और बहन जो है किसके छोटे, उसके पंख छोटे थे, फिर भी वे लोग उड़ लिए। यहाँ पर बता दिया वो उड़ लिए, वह यानी कि फिर आगे कर रहा है वह, लेकिन वह जो छोटा जो था सीगल था वह उड़ान भरने में जो है कि उड़ान भरने की साहस जो है कि साहस को जुटाने में असफल हो गया। दैट प्लंग विच अपीयर टू हिम सो डिस्परेट बोल रहा है ने हताशा, तो क्या करें, लेकिन आगे करें कि वह जो एक लेकिन वह डुबकी लगाने का साहस नहीं जुटा सका, लेकिन क्या हुआ जो कि उसे इतना निराशा हुई जिसके कारण से विच अपीयर जिसको जिसके कारण से उसको इतना अधिक निराशा प्रतीत हो रहा था कि हिज फादर एंड मदर, उसके माता और पिता, हैड कम अराउंड कॉलिंग टू श्रीली, कॉलिंग टू हिम श्रीली, श्रीली मन होता है तीखी आवाज़, तो कह रहे हैं कि उसके माता पिता तेज आवाज़ में तीखी आवाज़ में क्या कह रहे हैं, उसके चारों ओर राउंड का मन होता है चार, उसके चारों ओर चाहते हुए या फिर तेज आवाज़ निकालते हुए डांटते हुए दिया है, इस फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली अपब्रेडिंग दिया है, मन होता है धमकाना, धमकी देना, थ्रेटनिंग धमकी देना, और अपब्रेडिंग मने होता है उसको मतलब कि धमकाना होता है तेज आवाज़ में, तो क्या करें, तो उसके माता पिता उसके चारों ओर उसके जो है कि तेज आवाज़ के साथ धमकी दे रहे थे, उसको धमका रहे थे, टू लेट हिम स्टर ऑन हिज लीज अनलेस द फ्लो अवे, तो क्या कर रहे हैं उसको जो है कि डांट रहे हैं, उसको धमकी दे रहे हैं, और उन्हें और उसको कह रहे हैं कि उन्हें उसे उन्होंने तब तक भूखा रखने की धमकी दी थी, कह रहे हैं कि फ्लो अवे यानी कि तब तक वह टू लेट हिम स्टर्ब ऑन हिज लीज अनलेस द फ्लो अवे, यानी जब तक वह कि अब यानी कि उसे चट्टान से वह उड़ नहीं जाता तब तक क्या होंगे उनको, वह उनको भूखा रहने की धमकी देते हैं। फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, परंतु वह फॉर द लाइफ ऑफ हिम, परंतु क्या किया, परंतु उसने जीवन को बचाने के लिए वह हिला तक नहीं, यानी कि परंतु वह जीवन को जीवन के लिए था जीवन को बचाने के लिए क्या किया, ही कुड नॉट मूव, वह हिला तक नहीं। आगे देखिए अगला पैरा, आगे कहते हैं दैट वाज 24 आवर्स एगो, यानी कि क्या हुआ यहाँ पे, अब 24 आवर्स हो चुके थे यानी 24 घंटे पहले जो हुआ था, ये सब बातें 24 घंटे पहले हो चुकी थी, अब क्या हो रहा है इसके बाद, तो कह रहे हैं कि दैट वाज 24 आवर्स एगो सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, यानी कि 24 घंटे तक पहले की बात थी तो तब तक क्या हुआ कोई भी उसके पास में नहीं आया था, तो कह रहे हैं द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, देखिए इतना, तो क्या कहते हैं इसके लिए,
कह रहा है कि 24 घंटे पहले हुआ था, ये सब बातें 24 घंटे पहले हो चुकी थी, सिंस तब से कोई उसको मिल उसके पास मिलने नहीं आया था। कह रहा है कि द डे बिफोर, यानी एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग यानी पूरे दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर, यानी कि वह अपने माता पिता को अपना अपने भाइयों बहनों के साथ उसके चारों ओर उड़ते हुए देखा। वह जो है कि क्यों उनको उड़ते हुए देख रहा था, देखा तो क्या कर रहे थे, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, यानी कि वह उड़ने की कला में वो क्या थे, परफेक्ट एंड पूर्ण थे, जो कि उसके भाई बहन जो है कि उड़ने की कला में निपुण, यानी कि निपुणता प्राप्त कर लिए थे। टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और क्या कर लिए थे उन्होंने, जो कि उड़ने की कला में निपुणता प्राप्त कर ली थी, और लहरों पर दिया है स्कीम द वेव्स, मैंने लहर पर मैंने तैरना, यानी कि वो लहरों पर तैरना भी जान गए थे, यानी लहरों पर तैरना तथा मछली पकड़ने, यह दिया है हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछली पकड़ने की कला भी जान लिए थे, यह दिया है फॉर फिश, यानी वह तैरना और मछली पकड़ने की कला जो है कि कला को सीख लिए थे। आज कहते हैं ही हैड इन फैक्ट, तो क्या कहते हैं, फैक्ट माने होता है वास्तव में, वस्तुतः, तो कहते हैं कि ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग, माने होता है मछली, एंड डिवोर इट स्टैंडिंग ऑन ए रॉक व्हाइल हिज पेरेंट सर्कल्ड अराउंड रेसिंग ए प्राउड कैकल। देखिए यहाँ पे तो कैकल मन होता है बकवास, बकवास करना, रेसिंग मन होता है चढ़ना, ऊपर क्यों चढ़ना, प्राउड मन होता है गर्व। तो देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, कह रहे हैं ही हैड इन फैक्ट, यानी वास्तव में उसने अपने बड़े भाई को उसकी प्रथम हेरिंग, हेरिंग माने होता है मछली पकड़ना, हेरिंग मछली पका के मछली होता है, तो वास्तव में ही है यानी वास्तव में वह अपने ओल्डर ब्रदर, अपने अपने बड़े भाई को कैच हिज फर्स्ट हेरिंग, माने होता है मछली, तो हेरिंग माने होता है मछली होता है, तो अपनी पहली हेरिंग मछली पकड़ने और डेवोर इट, और उसको निगल जाना, डेवोर मतलब होता निगलना, मछली को निगल जाने, खा जाना, उसको निकल निगलने हुए देखा था, सीन मैंने देखा था, सीन मैंने देखा, यानी कि वास्तव में वह अपने बड़े भाई को मछली को पकड़ते हुए, उन्हें पहली मछली पकड़ते हुए और उसको निगलते हुए देखा, स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, कहाँ पर, चट्टान पर बैठे हुए, वाइल्ड हिज पेरेंट्स, जबकि उसके माता पिता सर्किल अराउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल, जबकि उसके माता पिता गर्व से कूकते हुए, कैकल माने होता बकवास करते हुए, चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, अराउंड रेसिंग में चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट। आगे क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जबकि माता पिता जो कि सब चक्कर लगा रहे थे, तो और क्या कर रहा था, ऑल द मॉर्निंग यानी और सारी सुबह, पूरी सुबह से ही, तो क्या उसका पूरा परिवार, कह रहे हैं कि ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली, उसका पूरा परिवार हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू, यहाँ दिया प्लेटू, प्लेटू होता है पठार, यहाँ दिया पठार, प्लेटू मैंने होता है पठार, कह रहे हैं कि पूरा परिवार उसकी जो है कि मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिप टॉन्टिंग हिम विथ हिज कावर्ड, इसमें होता है कायरता, तो पूरा पूरा क्या कर रहा था, उसकी कायरता की जो है कि डॉन्ट मैंने हंसी उड़ाना दिया है टॉन्टिंग मैंने ताना मारना है, हंसी उड़ाना, ताना मारना, क्लिप मैंने होता है खड़ी चट्टान, तो खड़ी चट्टान के अपने के सामने, तो यानी कि उसका पूरा परिवार उसका उसकी कायरता से उसका क्या कर रहा था, चट्टान पर, चट्टान के सामने से उसकी
जो है कि उसके ताना मारा था, आया उसकी हंसी उड़ा रहा था, नेहा हंसी उड़ा रहा था और कहा था, और फिर कह रहा है कि ऑन द बिग प्लाटू मिडवे, और उसके मध्य नहीं कि उसके बड़े से पठार के मध्य से वो लोग चल रहे थे। तो कह रहे हैं कि उस पूरी सुबह से ही पूरा उसका परिवार उसकी कायरता की हंसी को उड़ाते हुए, यानी हंसी उड़ाते हुए या फिर उसकी ताना मारते हुए, कह रहे हैं कि सामने वाली चट्टान, सामने वाली चट्टान के बीच में, मीट वे मैंने बीचों बीच में जो है कि बीच में वाक मैंने चल रहे थे। इस प्रकार से सेकेंड पैरा कंप्लीट हुआ, उसके आगे नेक्स्ट टाइम पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।